विकास सर, आप सभी का वेलकम करता हूँ एजुकेशन जोन साइंस कोचिंग में। आज के वीडियो में जानेंगे केमिस्ट्री थर्ड चैप्टर यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नरनेस्ट समीकरण। इसी के बारे में आज जानना है। तो नरनेस्ट समीकरण जो है नरनेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था और इन्होंने एक समीकरण दिया और जो समीकरण इन्होंने दिया वो समीकरण सेल के विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने में बहुत ही ज्यादा लाभदायक यानी बहुत ही ज्यादा काम करता है। तो सेल के विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने के लिए नरनेस्ट ने जो समीकरण दिया था इन्हीं के समीकरण को नरनेस्ट समीकरण बोला जाता है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं नरनेस्ट ने सेल के विद्युत वाहक बल बल का मान ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दिया, एक समीकरण दिए जिसे नरनेस्ट समीकरण कहते हैं, जो निम्न है। इन्होंने क्या समीकरण दिया, इन्होंने क्या बताया? तो इन्होंने जो समीकरण दिया था वो समीकरण है E बराबर E नॉट माइनस आर टी बट्टा एन एफ और एल एन के सी। तो यहाँ पे नरनेस्ट ने जो समीकरण दिए थे वो समीकरण है E बराबर E नॉट माइनस आर टी बट्टा एन एफ एल एन के सी। तो यहाँ पे इन्होंने जो समीकरण दिया था इस समीकरण की सहायता से हम लोग जो है सेल के विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात जब करेंगे तो उस ये जो समीकरण है इस समीकरण को विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने लायक बनाएंगे। यानी नरनेस्ट ने जो समीकरण दिए थे वो यही समीकरण है। अब इसी समीकरण को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ln लिखा हुआ है, ln लिखा हुआ है। तो कोई भी समीकरण में ln रहता है तो उसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग के पास log का टेबल रहता है, लघुगुणक, और इसको बदलना भी बहुत आसान है। तो यहाँ पे ln log जो होता है वो दो रूप में होता है, log जो होता है दो रूप में। अगर ln लिखा हुआ है और log लिखा हुआ, लघुगुणक जो है वो दो रूप में होता है, एक यहाँ पे ln लिखा हुआ है दूसरा log लिखा हुआ है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे ln जो लिखा हुआ है इसका मतलब इसका आधार बेस जो है e होता है। यहाँ पे जो ln लिखा हुआ है, ln लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया इसका आधार, इसका बेस जो है आधार जो है e हो जाएगा। और यहाँ पे log लिखा हुआ है इसका मतलब इसका आधार जो होता है 10 यानी 10 होता है। दोनों एक ही चीज है लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर ln लिखा हुआ है इसका मतलब इसका आधार यानी बेस e है और log लिखा हुआ है इसका मतलब इसका आधार 10 यानी 10 के बेस है इसका। तो यहाँ पे जो समीकरण इन्होंने दिया था इस समीकरण को उपयोग लायक बनाना है। तो उपयोग लायक बनाना है तो इस ln को, जहाँ पे ln है इस ln को log में कन्वर्ट करना रहता है। तो ln को log में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। ln जहाँ पे है अगर इस ln में 2.303 से अगर गुना कर देते हैं तो ये log में कन्वर्ट हो जाता है। ln के जगह अगर हम लोग ln में 2.303 से गुना कर देते हैं तो वो log में कन्वर्ट हो जाता है यानी इसका बेस जो है वो क्या बन जाता है, 10 बन जाता है। तो यहाँ पे जो ln kc लिखा हुआ है तो इसको अगर हम लोग को log में कन्वर्ट करना है, log में बदलना है तो यहाँ पे क्या करेंगे,
2.303 से गुना करना पड़ेगा। इसमें अगर 2.303 से गुना कर देते हैं तो इस 2.303 को पहले लिख दिए हैं आरपी बट्टा में एनएफ, और यहाँ पे अब ये किस रूप में आ गया, लॉग के रूप में आ गया। और ln जो है, ln को हम लोग log में इसीलिए कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हम लोग के पास log का टेबल रहता है और log का ही वैल्यू से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इस ln को log में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 2.303 से गुना कर दिए तो यहाँ पे ये समीकरण आ गया। अब यहाँ पे जो समीकरण आया है, इस समीकरण में अगर e के बारे में पूछा जाए तो e जो e हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोड विभव, e को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। और इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है आप लोग को पढ़ाया गया है पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा वहां पे इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या सब है, ये सारा चीज बताया गया है। यानी यहाँ पे जो E हो गया इलेक्ट्रोड विभव, और यहाँ पे यूनिट जो है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन जो होता है वो टेम्परेचर 298 केल्विन जो होता है, ये सारा चीज बताया गया था। तो यहाँ पे E हो गया इलेक्ट्रोड विभव, E नॉट हो गया मानक इलेक्ट्रोड विभव, और यहाँ पे n जो है वो त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, लॉस या गेन, नंबर ऑफ लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद यहाँ पे जो टी है ये हो गया ताप, टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर जो होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए, केल्विन में रहना चाहिए, टेम्परेचर जो होगा वो केल्विन में रहना चाहिए। आर टी के बारे में पता चल गया, टी के बारे में, एन के बारे में। अब यहाँ पे जो आर है, ये R का वैल्यू होता है 8.31 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, इसका मान फिक्स है। यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल बनाते हैं तो फिक्स है, R की जगह 8.31 रखना है, और एक पॉइंट अगर और रखते हैं तो यहाँ पे 8.314 भी रख सकते हैं, दशमलव के बाद यहाँ पे जो 31 भी डाल सकते हैं, या 314 यहाँ पे 4 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे रखने से दशमलव का जितना ज्यादा दूर जाते जाएंगे तो वहां कैलकुलेशन में उस अंक का वैल्यू जो है कमते जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल में 8.31 भी रख सकते हैं, आर का वैल्यू अगर मन करे तो 8.314 भी रख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आर का वैल्यू 8.31 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, और यहाँ पे जो एफ है, इस एफ का वैल्यू होता है 96500 कूलम। तो इस F का मान जो है, ये जो F है ये फैराड है, और इस F के बारे में आगे चर्चा करेंगे, आगे फैराडे का विद्युत अपघटन नियम है वहां पे जानेंगे इसके बारे में और ज्यादा। तो इसका वैल्यू F के जगह भी 96500 यानी 96500 रखना है। तो यहाँ पे ये आ गया। अब ये जो समीकरण है इस समीकरण का उपयोग हम लोग सेल अभिक्रिया के लिए करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये फॉर्मूला आ गया E बराबर E नॉट माइनस 2.303 आरटी बट्टा एनएफ लॉग केसी। तो यहाँ पे ये लॉग केसी क्या है, ये सब भी आगे इसी में आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे इतना पता चल गया। अब इस फॉर्मूला का उपयोग अगर हम लोग आरटीपी मतलब होता है रूम टेम्परेचर प्रेशर, आरटीपी मतलब होता है रूम टेम्परेचर प्रेशर, ये जो है 11th में ही मोल कंसेप्ट जो चैप्टर है या आप लोग को बेसिक क्लास में बताया गया था, एचटीपी आरटीपी का कंडीशन जो था टेम्परेचर 0°C और प्रेशर 1 atm,
और आरपीपी में पढ़े थे, यहाँ पे टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सी और प्रेशर जो था 1 एटीएम था, तो यहाँ पे 25 डिग्री सी यानी आरपीपी का कंडीशन क्या है, टेम्परेचर 25 डिग्री सी। 25 डिग्री सी को अगर केल्विन में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर किस में रखना रहता है, केल्विन में रखना रहता है, तो इस टेम्परेचर को डिग्री सी में है, अगर इसको केल्विन में बदलेंगे तो इसमें 273 जोड़ना पड़ता है, तो आ जाएगा 298 केल्विन। तो 298 केल्विन और आरटीपी का कंडीशन है प्रेशर 1 एटीएम होता है, ये आरटीपी का कंडीशन है। तो यहाँ पे अब इस फॉर्मूला में हम लोग 2.303 आरसी बट्टा एनएफ जो है, 2.303 आरटी बट्टा में एनएफ जो है, इसके जगह इस चीज के जगह जो है हम लोग सारा वैल्यू रखते हैं आरटीपी कंडीशन पे, इसमें जितना भी इसका मान रखते हैं 2.303 इसी तरह से है। आर आर का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है, 8.3 है, तो 8.3 एक रख दिए गुना टेम्परेचर, आरटीपी का क्या कंडीशन है, टेम्परेचर 298। इसके बाद एन, एन जो हो गया त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो सेल रिएक्शन किस तरह का है वहां से पता चलेगा। इसके बाद एफ, एफ का वैल्यू भी फिक्स है 96,500। तो यहाँ पे ये जितना भी है सबका अगर गुना भाग कीजिएगा, तो गुना भाग करने पे 0.0591 और ये एन के जगह एन, मतलब इसका गुना भाग करने पे इतना मान आ जाएगा। तो ये मान जो है, इस मान को अब हम लोग इस फॉर्मूला में रख देते हैं, तो 2.303 आरटी बट्टा एनएफ के जगह ये जो मान आया है उसको रख देते हैं, तो ई बराबर हो जाएगा ई नॉट माइनस 2.303 आरटी बट्टा एनएफ के जगह क्या रख देंगे, 0.0591 बट्टा में एन और यहाँ पे लॉग के सी। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया आरटीपी कंडीशन पे, मतलब रूम टेम्परेचर प्रेशर जो है इस कंडीशन में ये फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया, अब यहाँ पे इस नर्नेस्ट समीकरण का उपयोग जो है सेल अभिक्रिया के लिए करना है। तो सेल अभिक्रिया के लिए करेंगे, तो सेल अभिक्रिया में सबसे पहले हमको एक अभिक्रिया लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब यहाँ जो समीकरण है इतना तक समझ गए, अब इसका उपयोग हम लोग यूज ऑफ नर्नेस्ट समीकरण, यूज ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन फोर सेल रिएक्शन, फोर सेल रिएक्शन यानी नर्नेस्ट समीकरण का उपयोग सेल अभिक्रिया के लिए। तो यहाँ पे जो समीकरण है ध्यान रखना है, इस समीकरण में टेम्परेचर अलग है, मतलब टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो इक्वेशन आया समीकरण, इसमें हर हाल में आरटीपी कंडीशन यानी टेम्परेचर जो होना चाहिए 25 डिग्री सी यानी 298 केल्विन, ये यहाँ पे फिक्स है। अब यहाँ पे जो नर्नेस्ट समीकरण है, इस समीकरण का उपयोग हम लोग को सेल अभिक्रिया के लिए करना है। इसके लिए हम लोग को एक सेल अभिक्रिया बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं इस तरह से, ये एक सेल अभिक्रिया है, यहाँ पे ये एक सेल अभिक्रिया है, ये हम लोग यहाँ पे अभिक्रिया माने हैं, ये अभिक्रिया जो है सेल अभिक्रिया, और इसमें जो स्मॉल लेटर देख रहे हैं, स्मॉल लेटर वो जो है संख्या, जैसे कोई भी इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, जैसे H2+O2, यहाँ पे H2O अगर लिख रहे हैं, तो इसको संतुलित करने के लिए, संतुलित करने के लिए यहाँ पे हम लोग लगाते हैं इस तरह से, इस तरह से ये संख्या आ गया। तो यहाँ पे जो स्मॉल लेटर है वो संख्या के रूप में, और ये जो है ये मॉलिक्यूल्स, तो ये जो है कैपिटल लेटर वो मॉलिक्यूल्स है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग एक सेल अभिक्रिया लिख लिए हैं। तो ये सेल अभिक्रिया हो गया। अब यहाँ पे
इस अभिक्रिया का उपयोग, इस अभिक्रिया के लिए नरनिष्ठ समीकरण का उपयोग करना है। तो यहाँ पे नरनिष्ठ समीकरण क्या आया था, E बराबर E नॉट माइनस 2.303 RP बट्टा में NF, और यहाँ पे log KC लिखा हुआ है, log KC है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है इसी के जगह, यहाँ पे जो KC है इसी के जगह इस समीकरण का उपयोग करना है। इस समीकरण में यहाँ जो रखेंगे, जो यहाँ जो इक्वेशन है बाद वाला, यानी जो प्रोडक्ट है, जो बाद में है प्रोडक्ट जो है, उसके सांद्रता को ऊपर में रखते हैं। जैसे यहाँ पे m है तो m का सांद्रता, और जो संख्या बगल में है वो पावर के रूप में आ जाता है। फिर यहाँ पे n का सांद्रता और जो संख्या लगा होगा वो पावर में आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया, इसके बाद बट्टा में जो सांद्रता रखेंगे वो तीर से पहले का, यानी रिएक्टेंट का। तो यहाँ पे ए है, ए का सांद्रता, और जो संख्या रहेगा उस संख्या को क्या कर देंगे, पावर में रख देंगे। फिर यहाँ पे बी है तो बी का सांद्रता और संख्या में जो रहेगा उसको पावर के रूप में रख देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से इसका उपयोग हो गया। अब यहाँ पे इसको जो है, ये जो समीकरण आया है, इस समीकरण का उपयोग हम लोग आरटीपी पर भी करेंगे। तो यहाँ तक सबसे पहले यहाँ तक आप लोग कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे वीडियो रोक के कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि जगह समाप्त है, हम इधर मिटा रहे हैं। अब इस साइड लिखेंगे, यहाँ पे नरनिष्ठ समीकरण जो आया है इसका उपयोग हम लोग जो है आरटीपी पर, सेल अभिक्रिया के लिए जो आया है इसका उपयोग आरटीपी पर क्या होगा, यहाँ पे एट आरटीपी, आरटीपी। तो यहाँ पे एक मिनट देख लीजिए, यहाँ पे सेल रिएक्शन के लिए तो सेल रिएक्शन के लिए है, तो यहाँ पे सेल लगाना जरूरी है, तब ना पता चलेगा ये समीकरण जो है सेल के लिए हम लोग उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पे सेल अभिक्रिया के लिए इस समीकरण का उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे ई सेल लगा दिए हैं, ई नॉट सेल यहाँ पे लिखे हैं, इस तरह से आएगा। अब इसी का उपयोग हम लोग आरटीपी पे करेंगे, तो ई सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस, आरटीपी पे जान रहे हैं 2.303 आरपी बट्टा एनएफ, इसके जगह कितना माना जाता है 0.0591 बट्टा में एन, और ये तो इसी तरह से लॉग एम पे पावर, जो संख्या है वो रखते हैं, फिर एन का सांद्रता और इस पे पावर जो संख्या के रूप में रहता है, ए का सांद्रता पावर में ए, बी का सांद्रता पावर में बी। यहाँ पे जब न्यूमेरिकल बनाते समय एक चीज ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हम लोग रखते हैं वो जो है एक्वस फॉर्म, यानी आयन फॉर्म में जो रहेगा उसी का रखेंगे, सॉलिड फॉर्म यानी ठोस फॉर्म में रहेगा उसका हम लोग सांद्रता नहीं रखते। जैसे अगर कोई अभिक्रिया यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कोई अभिक्रिया इस तरह से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लॉग के बाद जो हम लोग रखेंगे, तीर के बाद क्या है Zn प्लस प्लस, जो आयन के फॉर्म में रहेगा केवल उसी का सांद्रता लिखेंगे। जैसे यहाँ पे कॉपर जो है ये सॉलिड फॉर्म हो गया, इसका नहीं रखेंगे, यानी लॉग के बाद जो रखेंगे क्या है Zn प्लस प्लस का सांद्रता। अब बट्टा में ये रिएक्टेंट की तरफ कौन है, कॉपर Cu प्लस प्लस, इसका सांद्रता। यहाँ पे ऊपर में Zn प्लस प्लस लिख दिए, अगर यहाँ पे Cu लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, यानी जो सॉलिड फॉर्म में रहेगा उसका सांद्रता हम लोग नहीं रखेंगे, और जो बाद वाला है उसको ऊपर में, और जो पहले वाला है इसके सांद्रता को नीचे में। अगर यहाँ पे कोई संख्या दो लगा हुआ है यहाँ पे पावर में दो आ जाएगा, अगर यहाँ पे तीन लगा हुआ है ये जो है सांद्रता का पावर 3 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है
अगर कोई संख्या नहीं है तो डायरेक्ट इसी तरह से रखना है, पावर में कुछ आएगा नहीं, यानी एक है तो पावर एक तो सेम इतना ही आ गया। और यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये जो है इसके सांद्रता का मान दिया रहेगा, अभिक्रिया में बगल में सांद्रता का मान भी दिया रहेगा, उसी चीज को वहां पे रखना है। और क्वेश्चन में अगर बोल दिया जाता है आरटीपी पर या वहां पे टेम्परेचर, क्वेश्चन में टेम्परेचर दर्शा दिया जाता है 298 केल्विन, तो हर हाल में ये फॉर्मूला काम करेगा। अगर टेम्परेचर नहीं दर्शाया जा रहा है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे, इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। अगर टेम्परेचर बोल दिया जाए, क्वेश्चन में बोल दिया गया कि 298 केल्विन या 25 डिग्री सी, तो उस समय हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। और क्वेश्चन जो है आप लोग को जो सेट दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा गया है, उसमें भी ये सब फॉर्मूला से निश्चित रूप से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिए हैं उसमें भी इस सबसे क्वेश्चन रहेगा, तो वहां पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक समझ गए इसका उपयोग, निर्दिष्ट समीकरण का उपयोग यहाँ पे सेल अभिक्रिया के लिए हो गया। अब इसके बाद यहाँ तक आ गया, अब इसके बाद एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था पे, साम्यावस्था पे क्या होता है कि साम्यावस्था के कंडीशन में, साम्यावस्था के कंडीशन में ई सेल, ई सेल का वैल्यू शून्य हो जाता है, सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो जीरो हो जाता है। साम्यावस्था के अवस्था में, साम्यावस्था जो है उस अवस्था में कैथोड का अवकरण विभव और एनोड का अवकरण विभव दोनों का समान हो जाता है। आप लोग को जहाँ पे सेल का विद्युत वाहक बल पढ़ाए थे वहां पे लिखाए थे ई सेल बराबर, अगर ई नोड ई सेल था तो ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस में ई एनोड, ये बताया गया था आप लोग को। तो वहां पे देखिएगा कि अगर कैथोड का अवकरण विभव और एनोड का अवकरण विभव साम्यावस्था एट इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था के केस में ये दोनों जो है बराबर हो जाता है, बराबर हो गया तो इस सेल का मान क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम जो है हम लोग पुट कर सकते हैं इस सेल बराबर जीरो, अगर इस सेल के जगह जीरो रख दिए तो यहाँ पे क्या जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बट्टा में एन, फिर यहाँ पे लॉग लॉग ये पूरा रख सकते हैं या केसी के रूप में भी दर्शा सकते हैं, एम पे पावर एन, एम पे पावर एम, एन पे पावर एन बट्टा में ए पे पावर ए और बी पे पावर स्मॉल बी। यहाँ पे देखिए ये माइनस है, सबको इधर भेज देंगे क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस में, ये पूरा कपड़ा माइनस में, सबको इधर भेज देंगे तो किस रूप में, प्लस के रूप में। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं ई सेल बराबर 0.0591 बट्टा में एन लॉग एम पे पावर एम और एन पे पावर एन और बट्टा में ए पे पावर ए और बी पे पावर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। और ये जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये किस कंडीशन पर, आरटीपी पर है, ये किस कंडीशन पे है, आरटीपी पर है। अगर ये कंडीशन आरटीपी अगर यहाँ पे बोला जाए कि सिंपल कंडीशन, तो सिंपल कंडीशन में जान रहे कि इसके जगह क्या रख देंगे 2.303 आरटी बट्टा में एन, यहाँ पे क्या जाएगा 2.303 आरटी बट्टा में एन, ये सिंपल कंडीशन जहां पे टेम्परेचर नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यही आरटीपी पर क्या बोला जाएगा, एट आरटीपी, आरटीपी कंडीशन पे बोला जाएगा E नॉट सेल बराबर क्या जाएगा 0.0591 बट्टा में N, और यहाँ पे लॉग M पे पावर M,
एन पे पावर एन बट्टा में ए पे पावर ए और बी पे पावर बी। इस तरह से ये फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे नर्नेस्ट समीकरण से जो फॉर्मूला आया है इसका उपयोग हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से ये सारा फॉर्मूला आया है। इसमें से इस फॉर्मूला का भी उपयोग हो सकता है। इसके बाद यहाँ जो था ये फॉर्मूला आरटीपी पे, इसका भी उपयोग हो सकता है, इसका भी उपयोग हो सकता है। मतलब जो भी कंडीशन आया है ये सबको ध्यान रखना है। जब न्यूमेरिकल का वीडियो आएगा तो वहां पे ये सब फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। समझ गए? इसको इसको जो है कॉपी कर लीजिएगा यहाँ तक, यहाँ पे यहाँ तक आने के बाद इसके बाद यहाँ तक कॉपी कर लेना है।